जिस हिसाब से कोरोना वायरस के बढ़ते मामले पूरी दुनिया में प्रतिदिन सामने आ रहे हैं, उसके बाद से हर कोई सिर्फ एक चीज चाहता है और वो है कोरोना वैक्सीन। लोग एक दूसरे से यही पूछ रहे हैं कि आखिर कोरोना वैक्सीन आएगी कब। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के अंत तक हम आपको देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में 2 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इस वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 7 लाख पार कर चुका है। भारत की अगर बात की जाए तो रोज 60,000 केसेस आ रहे हैं। टोटल केसेस 22 लाख के पार पहुंच चुके हैं, जिनमें 64,000 एक्टिव केसेस हैं और 45,000 लोगों की इस वायरस के कारण मृत्यु हो चुकी है। हालांकि रिकवरी रेट में लगातार सुधार देखा जा रहा है, जो कि 70% के आसपास अब पहुंच चुका है। भारत में 80% केसेस केवल 10 राज्यों से आ रहे हैं। भारत अब दुनिया में पहले नंबर पर आ गया है, अगर एक दिन में होने वाले संक्रमण की बात की जाए। भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया है। कोरोना केस के कुल मामलों में रशिया 4थे नंबर पर है। वैक्सीन के करंट स्टेटस की अगर बात करें तो प्री क्लिनिकल ट्रायल में अभी 139 वैक्सीन अंडर प्रोसेस हैं। फेज 1 में 25, फेज 2 में 17, फेज 3 में 7 और अब तक कोई भी वैक्सीन अप्रूव नहीं हुई है। दोस्तों, वैक्सीन को मार्केट में उतारने से पहले उसके 3 फेसेस को पास करना आवश्यक है। प्री क्लिनिकल स्टेज, इसमें वैक्सीन को एनिमल्स पर ट्राई करके देखा जाता है कि क्या कोई इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है। फेज 1 में वैक्सीन को छोटे समूह में टेस्ट किया जाता है और इम्यून रिस्पॉन्स को समझा जाता है। फेज 3 में यह टेस्टिंग 100 लोगों तक की जाती है, जिससे सेफ्टी एंड सही डोजेस का अनुमान लगाया जाता है। फेज 3 लास्ट फेज होता है, इसमें 1,000 लोगों पर टेस्टिंग की जाती है और इसके प्रभाव को देखा जाता है। इसके बाद ही कोई वैक्सीन रजिस्टर की जाती है। सभी इस बात को लेकर उत्सुक थे कि अमेरिका, रशिया, चाइना एंड इंग्लैंड में से कौन सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लेकर आएगा। सभी अपने अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि रशिया यहां पर बाजी मारता नजर आ रहा है। रूस 12 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपनी कोरोना वैक्सीन को रजिस्टर करा लेगा, जिससे इस वैक्सीन को जल्द ही मार्केट में लाया जा सकेगा। रशिया में 2 वैक्सीन कैंडिडेट्स इस रेस में हैं। पहली वैक्सीन वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक द्वारा बनाई जा रही है, जिसका नाम है एपीवैक कोरोना वैक्सीन। दूसरी वैक्सीन का नाम है गैम कोविड वैक लियो, जिसे गैमेलिया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। रूस के उप स्वास्थ्य मंत्री ओलेग ग्रिदनेव की माने तो इस वैक्सीन का तीसरा चरण चल रहा है। रूस ने यह दावा किया है कि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान जिन लोगों में यह वैक्सीन लगाई गई थी, उन लोगों में इम्यूनिटी पाई गई है। दोस्तों, ये वैक्सीन बनाई गई है ह्यूमन एड्रेनो वायरस वैक्टर से। इसका वीकर फॉर्म यूज किया गया है। इस वैक्सीन का परीक्षण अब तक 56 लोगों पर किया जा चुका है, जो कि काफी कम है। वैक्सीन के रजिस्टर होने के बाद इसका परीक्षण 1600 लोगों पर किया जाएगा और अक्टूबर के महीने से बड़े स्तर पर इसका प्रोडक्शन शुरू होगा। रशिया की माने तो 20 से ज्यादा देशों ने इस वैक्सीन में इंटरेस्ट दिखाया है, जिसमें ब्राजील और इंडिया जैसे कई देश हैं। यह वैक्सीन सबसे पहले डॉक्टर्स एंड टीचर्स को दी जाएगी। दोस्तों, यहां चिंता का विषय यह है कि रशिया ने इस वैक्सीन के परीक्षण को साझा नहीं किया है, न ही WHO। इस बात की पुष्टि कर रहा है कि रशिया द्वारा बनाई वैक्सीन के परीक्षण में सभी पैरामीटर्स फॉलो किए गए हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि रशिया इस पूरे प्रोसेस में जल्दबाजी कर रहा है, जिसका परिणाम विपरीत भी हो सकता है, क्योंकि कोरोना के लक्षण सभी लोगों में एक जैसे नहीं होते हैं। हर देश में कोरोना के लक्षण अलग हैं, वजह है उनकी भौगोलिक भिन्नता। इंडिया में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि इस साल के अंत तक कोरोना वैक्सीन भारत में उपलब्ध हो जाएगी। ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका मिलकर जो वैक्सीन बना रहे हैं, उसका नाम भारत में कोविशील्ड दिया गया है। इसका प्राइस 225 पर डोज बताया जा रहा है। सेकेंड एंड थर्ड फेज ह्यूमन ट्रायल्स के लिए भारत सरकार ने 5 लोकेशन इंडिया में चूज की हैं, जो कि पलवल, हरियाणा, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई एंड वेल्लोर में है। अब जानते हैं वैक्सीन्स होती क्या है। वैक्सीन किसी बीमारी के खिलाफ एक प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करती है, मतलब आप अभी भी उस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, लेकिन आप बीमार नहीं होंगे। ज्यादातर वैक्सीन्स इंजेक्शन से दी जाती हैं, मगर ये मुंह से और नाक से भी दी जा सकती है। वैक्सीन दिए जाने के पूरे प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहते हैं। जब आप किसी बीमारी से लड़ने में सक्षम हो जाते हैं, उसे इम्यूनाइजेशन कहते हैं। अब जानते हैं कि वैक्सीन काम कैसे करती है।
वैक्सीनेशन प्रोसेस में किसी वीक या डेड वायरस या बैक्टीरियम की हार्मलेस डोजेस ह्यूमन बॉडी में डाली जाती हैं, जिससे एंटीबॉडीज का निर्माण होता है और बॉडी इम्यूनिटी डेवलप करती है। जब भी ये हार्मलेस वायरस डोज बॉडी में एंटर करती हैं, तो ये सबसे पहले पता लगाती हैं कि बॉडी में पहले से मौजूद वायरस एक आउटसाइड वायरस यानी इस बॉडी में नहीं बना है। यह बाहर से इस बॉडी में एंटर किए वायरस को मारने का काम करती है, क्योंकि इस डोज के जाने के कारण बॉडी में एंटीबॉडीज का निर्माण हो चुका है। एंटीबॉडीज एक प्रोटीन होता है जो कि बाहरी वायरस को नष्ट कर देता है। ये डोज एंश्योर करती है कि जब भी ये वायरस इस शरीर में एंटर करेगा तभी इसका खात्मा कर देना है। अब जानते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। जब किसी जगह काफी तादाद में लोग किसी वायरस के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, जिसके कारण अगर कोई संक्रमित व्यक्ति उनके संपर्क में आए तो उस वायरस या बीमारी के फैलने की आशंका काफी कम हो जाती है। इस तरह जब ज्यादातर लोग किसी डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं, उसे हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगस्त करंट अफेयर्स की MCQ सीरीज हमारे चैनल पर चल रही है, आप रोज सुबह 8 बजे इसे देख सकते हैं। इसकी PDF भी आपको हमारी साइट पर मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट भी दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।